अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, एवरीथिंग इज चैनल में खुशामदीद। दोस्तों आज 23 दिसंबर है। अब से कुछ वक्त पहले सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान ने कोरोना वायरस के मुतालिक नया दर्द शुमार जारी किया, जिसमें दोस्तों मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और आज पिछले 24 घंटों के मुकाबले में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 35 केसों का मजीद इजाफा हुआ है। केसों में इजाफा भी हुआ है और सऊदी एजुकेशन ने कुछ मनातक में स्कूल बंद कराने का भी ऐलान कर दिया है। जो कि दोस्तों जो सऊदी वजारत सेहत ने कोरोना मुतालिक एदाद शुमार जारी किया है, उसमें 35 कोरोना केसों के इजाफे के साथ टोटल 287 नए कोरोना मरीज रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें एक शख्स वफात हुआ है, जिसके साथ अब तक सऊदी अरब में कोरोना वायरस से वफात होने वाले मरीजों की टोटल तादाद 8868 तक पहुंच गया है। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 113 नए कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। इसके अलावा 35 ऐसे कोरोना मरीज हैं जो कि इंतहाई क्रिटिकल इंतहाई निगहदाश में रखे गए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अलबाहा में स्कूल में कैसे रिकॉर्ड होने के बाद अलबाहा में कुछ स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग जानते हो कल सऊदी वकाया ने तकरीबन 160 ममालिक के लिए सफर खतरा करार दिया था, जिसमें दोस्तों जो ज्यादा केस वाले ममालिक है 27 में पाकिस्तान और इंडिया का नाम भी शामिल है, और ज्यादा खतरे वाले ममालिक जो है उसमें तुर्की जापान और अफगानिस्तान को शामिल कर दिया गया है, जिसमें सऊदी मुअज्जिन को कहा गया है कि इन ममालिक में बगैर जरूरत का सफर न करें।